सेशन में हम फाइनल अकाउंट को पूरा रिवाइज करेंगे। आपके जो भी डाउट्स है, यू कैन रेज द क्वेश्चंस। सो वी हैव स्टार्टेड चैप्टर 9, फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ प्रोप्राइटरी कंसर्न। ये अकाउंटिंग का फाइनल स्टेप होता है, यहाँ पर आपकी अकाउंटिंग एंड हो जाती है। इससे पहले जो हमने प्रीवियस सेशंस में लर्न किया, उसको एक बार रिवाइज करते हैं कि यहाँ आने से पहले व्हाट वी लर्न। इससे पहले जो हमने सीखा था, सबसे पहले ये देखा था कि बिजनेस की ट्रांजैक्शन है क्या, बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अगर बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, तो ही हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अगर फाइनेंशियल है तो रिकॉर्ड करेंगे। सो वेरी फर्स्ट स्टेप, दैट इज द जर्नलाइजिंग। चैप्टर 3 दैट वी लर्न, जर्नलाइज, जर्नल, ये चैप्टर हमने लर्न किया। इस चैप्टर हमने देखा कि इस चैप्टर में हमको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इफ इट इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये हमने सीखा। रिकॉर्डिंग के बाद जो चैप्टर था हमारा 4th, लेजर अकाउंट, इसमें हमने ये सीखा, रिकॉर्डिंग अगर हो गई है तो उसकी समरी कैसे बनाना है, रिकॉर्डिंग समरी। तो यहाँ पर हम उसको टोटल करते थे, उसकी लेजर पोस्टिंग करते थे, पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग हो गया। लाइन वन लेफ्ट ज्यादा बट रहेगा है। रिकॉर्डिंग हो गया, पोस्टिंग हो गया, उसके बाद हमने तमाम लेजर्स अकाउंट को क्लोज किया है। वी हैव क्लोज ऑल द ट्रायल लेजर अकाउंट्स एंड वी प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। आपका ट्रायल बैलेंस बनता है उसके बाद में। ट्रायल बैलेंस इज नथिंग बट द टोटलिंग, और वी कैन समरी, वी कैन से इट्स अ समरी, टोटलिंग और समरी। फाइनली फिर इसके बाद जो हमारा ये चैप्टर 9 स्टार्ट किया था, फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स हमारा कंसिस्ट करता है ट्रेडिंग अकाउंट, फाइनल अकाउंट कंसिस्ट अपॉन अपॉन फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, या जिसको फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी कहा जाता है, और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। दूसरा अकाउंट हम इसमें बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक और एक अकाउंट बनता है जो एज अ पार्ट ऑफ स्टडी हमारे पास नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमारे पास स्टडी में नहीं, इसीलिए हम इसको स्किप करते हैं और इसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट। तो ये दो अकाउंट है आपके, और ये एक स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। तो आपका कंसिस्ट करता है फाइनल अकाउंट इन चीजों पर। तो इससे पहले हमने ये सारी चीजें सीखी। हमारा चैप्टर हमको ये बताता है कि जब बिजनेस के फाइनल रिजल्ट्स प्रिपेयर करना है एट द एंड ऑफ ए पर्टिकुलर ईयर, सो वी हैव टू प्रिपेयर अ मैनुफैक्चरिंग अकाउंट। ये इसका पर्पज हमारे पास बहुत क्लियर है कि ग्रॉस रिजल्ट, वाई वी आर प्रिपेयरिंग इट, टू नो द ग्रॉस रिजल्ट ऑफ द बिजनेस अकॉर्डिंग इज ऑन। ठीक, पर्पज क्या है इसका, ग्रॉस रिजल्ट, तो यहाँ ले लेता हूँ, पर्पज ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ग्रॉस रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, ग्रॉस रिजल्ट द बिजनेस। तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आ जाता है हमारे पास, ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस, ग्रॉस लॉस, यहां से प्रिपेयर हो गया। फिर उसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक पर्पस है, उसका पर्पस है नेट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, ग्रॉस की जगह यहाँ नेट कर लेंगे हम, नेट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। तो यहां पर नेट प्रॉफिट पब्लिक लॉस। प्रॉफिट
प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टडी पार्ट नहीं है, इसलिए इसको स्किप कर देंगे। और बैलेंस शीट आपका एक स्टेटमेंट है शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन, ये आपका पर्पस होता है इस फाइनल अकाउंट का। ये जो फाइनल अकाउंट हम चैप्टर 9 स्टडी कर रहे हैं, तो इन्हीं बातों की हमने स्टडी की है अभी तक इसमें, राइट है। एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू नो द ग्रॉस रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। जो भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होते हैं, फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं, उसको हम कंसिडर करते हैं, इसमें रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड पर, और जो डायरेक्ट इनकम होती है उस क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के। तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता है। जब आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, और अगर डेबिट साइड ज़्यादा है, इफ़ द डेबिट साइड इज़ मोर देन द क्रेडिट साइड, सो यू विल अराइव एट अ ग्रॉस लॉस। उसके बाद ये ग्रॉस लॉस ट्रांसफ़र किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र करने के बाद जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं, उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। उसको कहा जाता है, कौन सा एक्सपेंसेस कहा जाता है उसको, इनडायरेक्ट नेचर के। तो ये इनडायरेक्ट नेचर के हम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पर। और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो नेट प्रॉफिट, और यहाँ पर भी अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है सो वी अराइव ए लॉस, नेट लॉस। ये नेट लॉस को हम पार्टनर के यानी कि जो ओनर है, प्रोपराइटर है, प्रॉफिट रहा तो ऐड, इफ प्रॉफिट ऐड इट इन कैपिटल, इफ लॉस डिडक्ट इट फ्रॉम कैपिटल। ठीक है, लॉस रहा तो हमको क्या करना है, उसको डिडक्ट करना है बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड से, और प्रॉफिट रहा तो उसको ऐड करना है। बैलेंस शीट लेफ्ट हैंड साइड, लाइबिलिटी साइड, ऑल द लाइबिलिटी विल अपियर। राइट हैंड साइड, ऑल द असेट्स विल अपियर। असेट का एक फॉर्मेट है जो हमने बुक में देखा है कि पहले फिक्स असेट, फिर करंट असेट, फिर फिक्टिट असेट। लाइबिलिटी में पहले लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, फिर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, मीडियम टर्म लाइबिलिटी, और उसके बाद शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। तो जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है, कैपिटल होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है प्रोपराइटर, वो अपियर होता है लाइबिलिटी साइड में। फिर उसके बाद बैंक लोन, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, लाइकवाइज जो भी मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं लाइबिलिटी साइड में। असेट साइड में फिक्स असेट, करंट असेट एंड फिक्स्ड असेट। तो इस तरह से हमने पूरा जो चैप्टर है कवर कर लिया है, मीनिंग ऑब्जेक्टिव्स। अकाउंटिंग इज कंसिडर्ड एज अ साइंटिफिक अप्रोच इन मेंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। इट प्रोवाइड ए सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड टू ऑल द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द एंटरप्राइज। नो सूनर अ बिजनेस ट्रांजेक्शन टेक प्लेस द अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट, द प्रोसेस इज कंप्लीटेड बाय द ड्राफ्टिंग द फाइनल अकाउंट। सो हियर वी आर ऑन द फाइनल स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। वी हैव लर्न हाउ टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ अ प्रोप्राइटरी कंसर्न। सो फाइनल अकाउंट इज कंसिस्ट अपॉन द थ्री टू अकाउंट्स, वन स्टेटमेंट विच इज अ बैलेंस शीट। उसके बाद हमने देखा था, सारे बातें बताई गई थी इसमें। प्राइमरी एम क्या होता है अकाउंटिंग का, असेसमेंट होता है बिजनेस का, जिससे आपका प्रॉफिट या लॉस आप फाइंड आउट कर सके। तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें कहाँ पर आती है उसको फाइंड आउट किया। फिर तो उसके फॉर्मेट्स देखे। तो आते हैं एक बार ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट में। ये सारे आपके ट्रांजेक्शन के स्टेप्स हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन। उसके बाद जर्नल एंट्रीज होती है, लेजर पोस्टिंग होती है, उसको बैलेंसिंग करते हैं जिसको हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, और उसके बाद फाइनल अकाउंट्स एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जनरली इट विल अपियर ऑन द 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर। अकाउंटिंग ईयर जरूरी नहीं है कि हर साल 31 में एंड हो, कोई 1 जनवरी से भी स्टार्ट करता है, लेकिन एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, जनरली अकाउंट्स प्रिपेयर बाय द प्रोपराइटर और ओनर ऑफ द बिजनेस ऑन 31 मार्च एवरी ईयर एज पर इनकम टैक्स एक्ट। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर साल 31 को ही करें, आप 1 जनवरी से भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक रूल जो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आता है, एक्ट 1961, तो जनरली 31 मार्च को ही आपको एग्जाम्पल दी जाती है। तो इसमें सब ये हमको प्रिपेयर करना होता है। ट्रेडिंग अकाउंट भी नो क्या आता है, फ्रेट कहाँ आता है, कैरेज कहाँ आता है, ये सारी बातें बताई गई थी आपको ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड। उसके बाद में इसके इंट्रीज को समझाया गया था, परचेज क्या होता है, सेल्स क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, दैट वी लर्न थरोली।
स्पेसिमेन था आपका, एक बार स्पेसिमेन में जो इम्पोर्टेंट है वो हाईलाइट कर दूंगा एक बार। ट्रेडिंग अकाउंट जो है आपका, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए होता है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड, डायरेक्ट इनकम क्रेडिट साइड। तो इनकम आपकी एक ही होती है, डायरेक्ट सेल से आती है। उसके अलावा जो फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है, वो सारा का सारा हम डेबिट साइड को रिकॉर्ड करते हैं। मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, वो सारा का सारा आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक यू कैन राइट डायरेक्टली इन द आउटर कॉलम। लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, इस साल का ओपनिंग स्टॉक हो जाता है, उसमें हम ऐड परचेसेस बोल के लिख रहे हैं। दिस इज ऑल्सो एन अप्रोप्रिएट मेथड ऐड करना है इसमें, क्योंकि आपके पास ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, इस तरह से फॉर्मेट बनता है उसका। और कोई रिटर्न वगैरह है तो उसको माइनस कर लेंगे। इसमें एक इक्वेशन है दैट वी हैव टू सी। चलिए, स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट आ गया है। यह हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो स्टार्ट होगा ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट होगा। अगर लॉस है तो यहाँ आ जाएगा डेबिट साइड पे, कि डेबिट बैलेंस होता है आपका लॉस, और प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड चला जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सॉरी, डेबिट साइड वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हो जाएंगे, सैलरी, वेजेस, रेंट, इंश्योरेंस, बैंक चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड, ऑडिट फीस, डिप्रिसिएशन ऑन द फिक्स्ड एसेट्स, लाइकवाइज ऑल द आइटम्स विल अपीयर ऑन द डेबिट साइड। इनकम में हमारे पास जनरली रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, वट एवर वी अर्निंग। और हम यहाँ पर बैड डेट्स भी रिकॉर्ड करते हैं इफ़ इट इज़ रिकवर्ड और गिवन इन ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड, तो वो भी एक करेक्ट फॉर्मेट है। तो हम क्रेडिट साइड ही रिकॉर्ड करेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड, जो आपको क्रेडिट साइड देता है ट्रायल बैलेंस के। हियर आफ्टर वी हैव सीन बैलेंस शीट। ये एडजस्टमेंट है, इसके हमने पूरे इफेक्ट देखे थे। बैलेंस शीट कहाँ गया इसका? तो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल, देन मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म। आउटस्टैंडिंग जो आपको पे करना है तो करंट ईयर में ही हमको पे करना रहता है, सैलरी से, रेंट है, वेजेस है, वट एवर आउटस्टैंडिंग वी डिड नॉट पे ड्यूरिंग द करंट ईयर, सो वी हैव टू शो इट ऑन द लाइबिलिटी साइड। ऑन द असेट साइड वी हैव फिक्स्ड असेट, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर वैन। इफ देर आर सम डिप्रिसिएशन, वी हैव टू चार्ज द डिप्रिसिएशन ऑन दैट, डिटेक्ट दैट मच अमाउंट आफ्टर कैलकुलेशन। यहाँ 5% कहा गया है, तो ये आपका अगर 10% होता है 2000, तो 5% होगा 1000, ये डिटेक्ट करके आउटर कॉलम में शो करना है। और ये वाला सेकेंड इफेक्ट हमको शो करना पड़ता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, कि उतना आपका करंट ईयर का लॉस होता है। सो वी ट्रीट डिप्रिसिएशन एज अ लॉस। तो एक प्रोविजन होता है, तो हम इसको प्रॉफिट लॉस को ट्रांसफर करते हैं, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो किया जाता है। एक ऑफिस इक्विपमेंट 1000 डिप्रिसिएशन, मोटर वैन 10% डिप्रिसिएशन, इस तरह से अमाउंट के प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो हो जाएगा यहाँ से लेस होने के बाद। फिर बाकी जो भी आपके डेटा से, इस पर अगर कोई कैलकुलेशन है एज पर एडजस्टमेंट दैट यू हैव टू परफॉर्म एंड शो हियर आउटर कॉलम द बैलेंसिंग फिगर। डेटास पे अक्सर एडजस्टमेंट होते हैं बैड डेट्स, तो पहले बैड डेट्स को लेस करना है, उसके बाद में जो 5% 10% RDD कहा है वो चार्ज करना है। प्रीपेड वेजेस जो एडवांस पेमेंट रहेंगे आपको, तो यहाँ पर शो करना पड़ेगा आपको वट एवर यू पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर। वट एवर यू पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर तो आपका कैश होता है, तो आपको उसको बैलेंस शीट के असेट साइड में शो करते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस है, प्रीपेड सैलरी है, प्रीपेड वेजेस है, प्रीपेड रेंट है फॉर द नेक्स्ट ईयर, सो दैट वी हैव टू शो ऑन द बैलेंस शीट असेट साइड। तो सिंपलेस्ट प्रोसेस है हमारा फाइनल अकाउंट का। तो फाइनल अकाउंट इन्हीं दो अकाउंट्स और एक स्टेटमेंट पर कंसिस्ट करता है। अगर आपके पास कंसेप्ट क्लियर है कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में क्या आएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में क्या आएगा, और क्रेडिट में क्या आएगा, और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड और असेट साइड किस तरह से उसको सिक्वेंशियली अरेंज करेंगे, सो यू कैन स्कोर 10 आउट ऑफ 10 इन द फाइनल अकाउंट इन 11, एंड इट विल गिव यू 12 मार्क्स इन 12th स्टैंडर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जाता है,
बारहवीं में, तो वहाँ थोड़ा सा एडिशन ये है कि वहाँ पर पार्टनरशिप का आपको पूछा जाता है, यहाँ पर सोल ट्रेडिंग का ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल कंसेप्ट सेम है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर एक पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट बोल के ऐड हो जाता है, तो वो जब 12th आएगा तब देखेंगे। ठीक है, तो अभी किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है रिलेटेड विद द फाइनल अकाउंट, द चैप्टर वी हैव कवर्ड कंप्लीटली, तो कोई क्वेश्चन अगर आपके पास है तो आप उसको रेस कर सकते हो। एंड आई फील दैट स्टूडेंट मस्ट हैव सम क्वेश्चंस। हाँ, व्हाट इज ऑक्ट्राय? ऑक्ट्राय का एक क्वेश्चन पूछा है बच्चे ने यहाँ पर। ऑक्ट्राय जनरली क्या होता है, ये हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, तो मैं यहाँ स्क्रीन पे आ जाता हूँ एक बार और। ऑक्ट्राय, ऑक्ट्राय क्या है, ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। है क्या, बच्चों का क्वेश्चन ये है कि इसमें है क्या, जो ऑक्ट्राय होता है आपका, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की सरहद के अंदर आप कोई चीज आउट ऑफ से लेके आते हो, जैसा मान लीजिए कि आप कोई रॉ मटेरियल परचेस करके ला रहे हो, कहाँ से, बॉम्बे से, पूना से, जब औरंगाबाद की सरहद में, उसकी बाउंड्री में, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की सरहद में दाखिल होते हैं, तो आपको ऑक्ट्राय पे करना पड़ता है, तो वो होता है ये ऑक्ट्राय। तो ऑक्ट्राय आपको पे करना पड़ता है किसको, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, इफ यू आर ब्रिंगिंग समथिंग टू सेल आउट, सेल के लिए ला रहे तभी पे करेंगे आप। अगर आप ये सेल के लिए ला रहे, आपका बिजनेस है क्लोथ का, आपने मुंबई से, पुणे से कुछ गुड्स परचेस किए सेल आउट करने के लिए, आपने 1 लाख रुपए का परचेस करके लाया, तो पहले तो है 2.5% ऑक्ट्राय, इसको पे कर देते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को। लेकिन जब से जीएसटी लागू हुआ है, कब से जो है लागू हुआ है जीएसटी, 1 जुलाई 2000, सॉरी 1 जुलाई, न्यूमेरिकल ऑफ है, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हो गया है। तो जीएसटी जब से आ गया है तो ये सारे टैक्सेस हटा गए हैं, इसके बाद वन नेशन वन टैक्स का कंसेप्ट आया है, वन नेशन वन टैक्स। तो इस तरह के जितने भी और टैक्सेस थे वो सारे हटा दिए गए हैं, तो ऑक्ट्राय अब चार्ज नहीं होता, ये ओल्ड था 2017 से पहले था, है जीएसटी लागू होने से पहले होता था ये ऑक्ट्राय। तो हम इसको रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, तो बुक में एग्जांपल आएंगे आपको ऑक्ट्राय, क्यों, तो आप रॉ मटेरियल परचेस करके लाते हो या कोई गुड सेल आउट करने के लिए लाते हो आउट ऑफ सिटी से, तो आपको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को पे करना पड़ता है। वी हैव टू पे इट, वी हैव टू पे इट टू, पे टू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल एनआई, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को पे किया जाता है, इसको कहते हैं ऑक्ट्राय। और कोई क्वेश्चन? सर जीएसटी का आएगा सर, जीएसटी का काम। जीएसटी आप चार्ज करेंगे तो आपको डेबिट में आएगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, कैलकुलेट करके जितना आएगा डेबिट साइड लिखेंगे, हमारे लिए एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो ठीक है, आपका एक्सपेंडिचर है डेबिट साइड पे आएगा। और कोई क्वेश्चन? स्टिल वी हैव 7 to 10 मिनट्स विथ अस। रिटर्न आउटवर्ड क्या है, स्टूडेंट का क्वेश्चन है एक, रिटर्न आउटवर्ड, तो मैं आ जाता हूँ स्क्रीन के ऊपर, रिटर्न आउटवर्ड। आउटवर्ड कौन सी चीज जाती है, देखिए हमने कोई परचेस करके लाया था, परचेस करके लाएंगे तो कहाँ आएगा वो, हमारे पास आएगा, और जब वापस करेंगे तो इसको कहेंगे परचेज रिटर्न, इसको कहेंगे, इसको रिटर्न आउटवर्ड, परचेस करके लाए थे अब वापस कर रहे थे, इसको कहा जाता है परचेस रिटर्न। तो परचेज में से माइनस हो जाता है, ये लिखा जाता है अपोजिट साइड पर, ये क्रेडिट साइड आता है और इसको परचेज में से माइनस किया जाता है। जैसे अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट देखेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम डेबिट साइड को लिखते हैं, ये डेबिट साइड लिखते हैं परचेजेस, और ये ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड अपीयर होता है, तो इसीलिए वो दो वर्ड कहे गए, ड्रॉइंग और रिटर्न, ड्रॉइंग और रिटर्न अपोजिट में चला जाता है, तो ये यहाँ से माइनस होता है परचेज से, तो रिटर्न आउटवर्ड इक्वल्स टू परचेज रिटर्न। इनवर्ड मतलब सेल किया था वापस आ गया, सेल्स रिटर्न, किसको कहेंगे, सेल्स रिटर्न,
रिटर्न इनवर्ड, हमने सेल करके गुड्स को बाहर भेजा था तो ये आपके गुड्स बाहर जा रहे थे, अब वापस होके वो वापस अंदर आ जाएंगे, तो सेल्स रिटर्न कहा जाता है, रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न। यस, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड विद दिस, बिकॉज वी हैव कवर्ड द टॉपिक। इसके बाद आपका जो नया चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 10 जो लास्ट चैप्टर है वो हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये चैप्टर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो इसीलिए मैंने सेशन रखा हूँ कि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद भी जो भी डाउट है स्टूडेंट्स को तो वो रेज कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन यू हैव रिलेटेड विद द फाइनल अकाउंट यू मे आस्क मी। सर जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व देखिए बिजनेस में हम क्या करते हैं, कुछ पैसा रिजर्व करके रखते हैं इमरजेंसी के लिए, जनरल रिजर्व। ये आपका लाइबिलिटी साइड शो होता है, कहाँ होता है, लाइबिलिटी साइड शो करते हैं इसको। जनरल रिजर्व मतलब फ्यूचर में अगर कोई भी पर्पस के लिए आपको पैसा लग रहा है तो ये लाइबिलिटी साइड शो करते हैं। कहाँ शो करते हैं इसको, जनरल रिजर्व को, हमारा ही पैसा रहता है, प्रॉफिट का कोई पोर्शन हम 10% 20% रिजर्व करके रखते हैं, ऑल ऑफ ए इमरजेंसी, जब आपको रिक्वायर्ड रहेगा तो जनरल रिजर्व में से आप निकाल कर वो एक्सपेंसेस कर सकते हैं। तो ये आपका ही पैसा होता है, इसको शो किया जाता है बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड, जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड बोल के भी वर्ड आता है, एक रिजर्व फंड। तो ये सारा का सारा आपका बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आता है। ये इक्वल्स टू का मतलब ये नहीं है कि वो है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये साइन डाल रहा हूँ, रिजर्व फंड और ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड आता है, ठीक है, कोई साइन नहीं करेंगे आप, इक्वल्स टू इनअप्रोप्रिएट हो रहा है। कहाँ आता है वो, लाइबिलिटी साइड आता है बैलेंस शीट के लिए, और ये आप ही का पैसा प्रॉफिट का कोई पोर्शन है। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन। इट्स एन गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल दैट यू मे आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड विद द चैप्टर नंबर 9 व्हिच वी कवर्ड ऑफलाइन एज वेल एज सिंस लास्ट 5 डेज वी आर लर्निंग दैट चैप्टर ऑनलाइन। डाउट्स तो होना चाहिए स्टूडेंट्स के पास। चलिए मैं क्वेश्चन करता हूँ, सोहेल शेख, पावर हीटिंग कहाँ आएगा, पावर हीटिंग, चलिए, और एक रिलेटेड विथ वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज की दिया हुआ है 10,000, कहाँ आएगा, कौन बताएगा क्लास में, सर डेबिट साइट डेबिट साइड ऑफ विच अकाउंट, कौन सा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कौन सा डेबिट, एक्सपेंसेस सर कौन से, तो एक्सपेंसेस डेबिट साइड किसका, ट्रेडिंग अकाउंट का क्या, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का, वी हैव टू अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, वेजेस एंड सैलरीज इज रिटर्न 10,000, तो ट्रेडिंग में आएगा क्या, ट्रेडिंग प्रॉफिट अकाउंट लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, क्योंकि पहला जो वर्ड है वेजेस लिया गया है, इसीलिए इसको हम शो करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, डेबिट साइड। और इसको अगर रिवर्स हो गया है, इसको कॉपी कर लेता हूं मैं, सैलरीज एंड वेजेस, क्या वर्ड आगा, सैलरीज एंड वेजेस 5,000। अब ये वर्ड अगर आ जाता है तो ये चला जाता है ट्रेडिंग की जगह पी एंड एल अकाउंट का डेबिट साइड। सैलरी वर्ड अगर पहले आता है तो सैलरी रिलेटेड है ऑफिस से, और वेजेस रिलेटेड है फैक्ट्री से, फैक्ट्री हो जाता है डायरेक्ट आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ड्यू टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस वी हैव टू रिकॉर्ड इन द ट्रेडिंग अकाउंट इफ द फर्स्ट लेटर और वर्ड सैलरी इज देयर, सो वी हैव टू शो इट ऑन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अगर यहाँ पर मिस्टेक होती है, आपने ट्रेडिंग की जगह प्रॉफिट में ले लिया, तो आपको क्या रॉन्ग आएगा, आपका नेट रिजल्ट या ग्रॉस रिजल्ट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा वहां पर। Someone asked that answer be a trading account, right? Anyone have any question?
चैप्टर एंड हो गया इसीलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। चलिए एक आध एडजस्टमेंट ले लेते हैं। यहाँ पर एडजस्टमेंट लेता हूँ मैं, रिसीव्ड ₹5,000, ये एडजस्टमेंट है फॉर नेक्स्ट ईयर। ये आपको एडजस्टमेंट नंबर वन दिया है, मान लीजिए एडजस्टमेंट नंबर वन क्या लिखा है, एडजस्ट नंबर वन पे लिखा है कि रिसीव्ड ₹5,000 फॉर नेक्स्ट ईयर। आप क्या करेंगे, रिसीव्ड ₹5,000 फॉर नेक्स्ट ईयर। सर लाइबिलिटी साइड हमको इसको लाइबिलिटी साइड शो करना पड़ेगा, द इनकम नॉट फॉर द करेंट ईयर, इट इज फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो आपको जो लाइबिलिटी है वहां पर इसको शो करना पड़ेगा। वैसे ही हमने अगर कोई चीज पे कर रहा है, पेड फॉर नेक्स्ट ईयर 1,000, तो नेक्स्ट ईयर के जब पेड करते हैं हम, तो इसको कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट का असेट साइड। तो आपका कैश है, आपने इसको नेक्स्ट ईयर के लिए पे किया है, तो जब पेमेंट आप नेक्स्ट ईयर के लिए करते हो तो आपका कैश जाता है, सो वी हैव टू शो इट ऑन द बैलेंस शीट असेट साइड। और वही अगर नेक्स्ट ईयर के लिए मिलता है तो हमको लाइबिलिटी साइड शो करना पड़ता है। तो ये लाइबिलिटी हो गया पहला वाला, और ये पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर असेट हो गया। एक ऐसी एडजस्टमेंट है, मान लीजिए कि अन इंश्योर्ड गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ₹1,000 के गुड्स से आपके डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गए। मैं पूछूंगा वही आंसर देगा, अहद अली या सोहेल। अन इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इसके दो इफेक्ट कहाँ आएंगे, अनइंश्योर गुड्स है पहला इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट अनइंश्योर गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो अब देखिए एडजस्टमेंट हो क्या रहा है, आपका इंश्योरेंस नहीं है, गुड्स लॉस हो रहे, तो गुड्स से रिलेटेड एंट्री हम एक करते हैं, कहाँ करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, एक इफेक्ट। दूसरा, तो आपका लॉस हो रहा है, दूसरा जो अकाउंट है हमारा एक क्रेडिट में आ गया, तो जनरली दूसरा इफेक्ट डेबिट में आता है, पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड। ये आपका लॉस हो गया ₹1,000 का, यहाँ ₹1,000 लिखेंगे आप क्रेडिट साइड पर, और इसको यहाँ पर ₹1,000 लिख देंगे डेबिट साइड पर, प्रॉफिट लॉस। तो एक इफेक्ट जनरली एडजस्टमेंट का जाता है डेबिट साइड को, और दूसरा जनरली जाता है क्रेडिट साइड। तो आपको डेबिट और क्रेडिट याद रखना है कि मोस्टली जो आपकी एडजस्टमेंट रहेंगी, एवरी एडजस्टमेंट इज हैविंग टू इफेक्ट्स। तो एक अगर क्रेडिट आ गया तो दूसरा एस्पेक्ट उसका डेबिट रहेगा, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल सॉल्विंग एनी फाइनल अकाउंट प्रॉब्लम। सो सर आई एक्रूड स्टॉप। इनकम के इफेक्ट्स बता दो ना सर एक बार, एक्रूड ओके ओके इनकम। फूड इनकम, ACR, अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम हमारा वो इनकम जो हमको अर्न नहीं हुआ, येट नॉट रिसीव, इसको कहा जाता है येट नॉट रिसीव। नहीं रिसीव हुआ तो रिसीव हो जाएगा, नहीं रिसीव हुआ तो रिसीव हो जाएगा। तो एक इफेक्ट आएगा इसका, फर्स्ट इफेक्ट पी एन एल अकाउंट क्रेडिट साइड। इनकम है हमको नहीं मिला, इनकम है हमको नहीं मिला, और दूसरा जाएगा सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड, आ जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड। तो देखिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड आपका क्रेडिट हो गया, एक एक क्रेडिट हो गया, तो बैलेंस शीट का जो असेट साइड है वो डेबिट ग्रुप है। ठीक है, अक्रूड इनकम ऐसा इनकम जो अभी अर्न नहीं हुआ, येट नॉट रिसीव्ड, येट नॉट रिसीव्ड। तो हमको तो मिल जाएगा, तो हमारा कैश है, सो वी हैव टू शो इट ऑन द बैलेंस शीट असेट साइड सेकंड इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट एज अ इनकम वी हैव टू शो इट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? यस सर। चलिए, हमारा कल बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो लास्ट चैप्टर है वो स्टार्ट हो रहा है। इम्पोर्टेंट तो उतना नहीं है उसका, क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम है, ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम जो अभी प्रैक्टिस में नहीं है। इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम है, ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम है। एज अ पार्ट ऑफ स्टडी वी हैव टू लर्न दैट चैप्टर ऑल्सो। तो टुमारो वी हैव चैप्टर नंबर 10, सिंगल एंट्री सिस्टम। तो आप पढ़ के आइए, और इस चैप्टर में भी अगर कोई क्वेश्चन है तो पहले विद इन 5 मिनट्स वी विल डिस्कस दैट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको 12th के लिए। तो फिर ये एक बार फिर से देख लीजिए चैप्टर को, और नए चैप्टर के हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट सेशन। ओके, थैंक यू।